तो गाइस देख सकते हैं यहाँ पे डायना ऑडियो की ब्रांडिंग है, 2 लाख रुपीज़ की इसकी मार्केट वैल्यू चल रही है। आपको सिर्फ मिलेगा पैराडिगम का स्पीकर है, मॉनिटर सीरीज है इसके, जो आप बूफर्स देख रहे हो उसके अंदर आप देखो ये सारे ट्रांसपेरेंट है बड़ा। पहले आप मैं इसको लोगो दिखाऊंगा आपको, जो स्पीकर लवर है वो इस लोगो को पहचान जाएंगे, BMW और जो यहाँ पे लिखा हुआ है बॉवर एंड विल्सन्स का। Well, hey, what's up everybody? Your friend Mishy is and I'm back with another video. तो गाइस जैसे कि हमारी लास्ट वीडियो थी जिसके अंदर मैंने आपको काफी ट्रेलर्स दिखाए, काफी सारे स्पीकर्स दिखाए थे, काफी सारे हेडफोन्स दिखाए थे मैंने आपको पर्टिकुलर वीडियो में, जिस वीडियो में मैंने आपको कहा था कि मैं एक स्पीकर की रेंज लेके आऊंगा, अनबीटेबल स्पीकर की रेंज, जिसके अंदर ऐसे ऐसे स्पीकर्स होंगे जो आपने कभी भी नहीं देखे होंगे, कभी ना इंडिया में एक्सपोर्ट नहीं होते होंगे। ये स्पीकर कोई गिने चुने आदमी या कोई ऐसा पीपल होगा जो काफी शौकीन इंसान रहा होगा, जिसको स्पीकर्स का काफी शौक होगा, उन्होंने पर्सनली लिए होंगे। पर मेरे साइड में अगर ऐसा सेटअप है जो मैं अगर आपको सिनेमैटिक्स दिखाऊंगा, अभी इसके पूरे दिखाऊंगा, ये सिनेमैटिक्स हमने बेसिकली बनाया है, पूरा सेटअप लगाया है, बहुत मेहनत लगी है इसके अंदर, काफ़ी मतलब एक एक स्पीकर कम से कम 10-10 किलो का है, उसको लेके आए हैं बाहर, यहाँ पे हमने स्पेशली आप लोगों के लिए सेटअप लगाया है, क्योंकि ये स्पीकर्स ऐसे हैं जो आपको लाइफ टाइम में अगर आपने एक बार ले लिए तो कभी आपको नेक्स्ट टाइम के लिए इन्वेस्टमेंट नहीं करनी पड़ेगी, क्योंकि ये वुड से बने हुए हैं, मेड इन इंग्लैंड, मेड इन जापान, मेड इन चाइना नहीं है, इंडियन का भी कोई माल यहाँ पे है नहीं अवेलेबल, क्योंकि ये जो स्पीकर्स हैं पूरे गोल्ड प्लेटेड हैं, काफ़ी हद तक रेंज है। एक बार मैं आपको सारे सिनेमैटिक शॉट्स दिखाता हूँ, फिर सबकी डिटेल दूंगा, क्या ओरिजिनल प्राइस है, क्या मार्केट प्राइस चल रहा है, कितने में आपको यहाँ पे मिल रहे हैं। थोड़ा बहुत लिटिल बिट यूज्ड है ये, ज़्यादा यूज़ नहीं है, आप जानते हैं मैं कहाँ पर हूँ, फार्म हाउस पे, जो हमने पहले प्रोडक्ट दिखाए, लिटिल बिट यूज्ड है, बिल्कुल भी ज़्यादा कोई ऐसे ख़राब कंडीशन का नहीं है, वरना मैं आपको कभी रिकमेंड ही नहीं करता। आपको पता है आपका भाई आपके लिए वही सामान लेके आता है जो काफ़ी अच्छी रेंज में हो। तो अब चलते हैं स्पीकर्स की तरफ, उनका सिनेमैटिक शॉट्स एंजॉय करो, लेट्स गो। मैंने आपको हर एक स्पीकर का सिनेमैटिक शॉट दिखाया, आपको कैसे लगे जरूर कमेंट बॉक्स में जरूर बताना हमें। तो अब आते हैं स्पीकर्स की तरफ, तो गाइस आप देख सकते हैं यहाँ पे हमारे पास कितनी वाइड रेंज लगी हुई है, मैं भाई को बोलूँगा पहले स्पीकर्स की तरफ दिखाए, ये भी अभी भी कम स्पीकर्स हैं यार, इसके अलावा भी काफ़ी सारे हैं पर भारी बहुत होते हैं, तो इनको बाहर लेके आना इनके ऊपर वीडियो बनाने के लिए स्पेशल पर्पज़ आपके लिए कि आपको कोई एक अच्छी चीज़ मिले। आप देख सकते हो यार ये जो स्पीकर्स है ना, हरमन कार्डन हो गया, वेलोडाइन के स्पीकर्स हो गए, JBL के स्पीकर्स हो गए, ये JBL तो हम फिर भी अभी इसमें ले लेते हैं, सबसे नीचे आ रहा होगा ये भी हमारे लिए, ये गाइज ये हो गया डायना ऑडियो का, हो गया क्लिप्स के स्पीकर्स हो गए गाइज, ये देखो ब्लूटूथ का क्लिप्स का ब्लूटूथ स्पीकर, फिर आप ये देख सकते हो BMW का, बॉवर एंड विल्सन्स का हमारा एक्टिव सब बूफर, फिर गाइज इसके बारे में एंड में बात करेंगे, इसको भी हम स्किप करते हैं, ये सबसे बेस्ट है आज हमारे लिए। इसके बारे में पहले मैं आपको पर सबसे पहले लोगो दिखा देता हूँ, अगर आप इस लोगो को पहचानते हो तो कमेंट बॉक्स में अभी वीडियो पॉज करो और कमेंट कर दो कि हाँ भाई हम इसको जानते हैं। जो स्पीकर लवर्स होंगे उन सबको इन स्पीकर्स के बारे में पता होगा, क्योंकि ये कुछ ऐसी कंपनीज़ हैं जो आपको बेसिकली इंडिया में हर घर में नहीं मिलती, यहाँ पे हमारे पास हर एक कंपनी अवेलेबल है, हर एक बोस होगी, कोई सी भी होगी, हमने आपने बेसिकली नाम्स बोस के हो गए, JBL हो गया, ये सब ज़्यादातर सुने होंगे। ये जो स्पीकर्स हैं ना, ये कैसे प्रीमियम एडिशन में आ जाते हैं, जैसे हमारी वो वैगनार स्विफ्ट हो गई, वो तो सबने सुना होगा, एक फिर आ जाती है हमारी पोर्शे, वो स्पीकर्स ये उस लेवल के हैं, उस प्राइस रेंज के हैं, इसका तो मार्केट वैल्यू ही कुछ अलग चल रहा है। तो गाइस आप देख सकते हो हमारे पास अभी हैं अराउंड 14-15 स्पीकर्स हैं, तो एक एक करके सबकी डिटेल्स के बारे में जानते हैं, सबके प्राइस बताते हैं, फिर एंड में बताऊंगा मैं आपको कि इसको आप बाय कैसे कर सकते हो। यहाँ पे हमारे सारे इंस्टाग्राम हैंडल्स, फेसबुक हैंडल्स आ रहे होंगे, यहाँ पे नंबर आ रहा होगा जहाँ से आप ऑर्डर कर सकते हो, यहाँ पे आप सारी फोटोज़ देख पाओगे और यहाँ से आप नंबर देख पाओगे। तो गाइज़ अब चलते हैं सबसे पहले आगे वाले स्पीकर्स पे, तो मैं भाई को बोलूँगा थोड़ा कैमरा पास लेकर, यहाँ पे हमारे पास 2 हरमन कार्डन के ये स्पीकर्स पड़े हैं, इन दोनों का जो प्राइस आएगा, ये दोनों अगर आप पेयर में लेते हो तो इनका आएगा 14,000 रुपीज़, और आप इनका नया प्राइस अभी चेक कर सकते हो, सिर्फ आप ये हरमन कार्डन लिख देना गूगल पे, इनके क्या प्राइस चल रहे हैं लिटरली भी मार्केट में आपको पता चल जाएगा। गाइज अब ये जो आते हैं हमारे पास, ये गाइज आप ये देख रहे हो पन्नी उतार रहे हैं, ये हमने लेमिनेशन ही चढ़ा रखी थी, ये जस्ट अभी मैंने उतारी है ताकि आपको मैं दिखा पाऊँ कंडीशन।
ये दोनों ब्लूटूथ स्पीकर हैं, ये दोनों अलग अलग हैं, ये वाला अलग, और ऐसे हमारे पास अभी चार पीसेज और अवेलेबल हैं। ये तो दो हो गए और दो वाइट कलर में है। इसका भी आपको एक का प्राइस पड़ेगा 14,000 रुपीज़, और ये नया तो अभी करीबन 2 लाख रुपये के करीब आ रहा है। गैज ये जो है वेलोडाइन का बूफर है, ये अभी हम दे रहे हैं आपको 30,000 रुपीज़ का, और ये नया अभी आ रहा है 2 लाख के करीब का। फिर हम थोड़ा और पीछे आते हैं गैज, यहाँ पे JBL का ब्लूटूथ स्पीकर है। अभी थोड़ा यार मौसम ख़राब हो गया, थोड़ी बारिश आने को हो रही है, ये देख सकते हो, तो मैं थोड़ा आपको जल्दी जल्दी बताता हूँ। ये हमारे पास JBL का ब्लूटूथ स्पीकर है। इन सब की प्राइस रेंज आपको अगर देखनी है तो आपको इंस्टाग्राम पे भी मिल जाएगी, आप मेरे को वहाँ पे फॉलो ज़रूर कर सकते हो, वहाँ पे आपको सब कुछ देखने को मिलेगा। गैज ये देख सकते हो, ये भी एक और हमारे पास सब बूफर है, ये इन्फिनिटी का सब बूफर है। गैज ये भी आपको देखो, यहाँ डायना ऑडियो पढ़ लो, जो आप स्पीकर्स का होगा शौकीन उसको डायना ऑडियो पता होगा डायना ऑडियो क्या है। ये बोर एंड विल्सन्स का सब बूफर, एक्टिव सब बूफर, इसके अंदर सब कुछ है यार। ये अकेला चीज़ ये 40 किलो की, आप एक बार आके चेक करोगे ना, ये उठेगी नहीं आपसे लिटरली। फिर ये गाइस आगे नीचे क्लिप्स का ये देख सकते हो आप ब्लूटूथ स्पीकर है। गाइस ये देख सकते हो आप नीचे एक और ये सब बूफर है किकर का इसके। यार गाइस ये देखो आप कितने बड़े हैं यार, ये चीज़ें आपको कहीं देखने को नहीं मिलेंगी गाइस। ये मैं इसीलिए बोल रहा हूँ, मैं आज तक कभी ऐसा नहीं बोला ये चीज़ आपको कहीं देखने को, क्योंकि मैंने खुद ने नहीं ये देखी चीज़ें, ऐसी झूठ नहीं बोलूँगा। सारी मार्केट्स घूमी है, काफ़ी जगह गया हूँ, पर ये क्लिप्स हो गया, ये हमारा किकर हो गया। अब आते हैं इसके ऊपर बेसिकली, ये जितनी भी चीज़ें ना कहीं और देखने को मिली, अब इस पर बनाएंगे पर्टिकुलर चीज़, इसके बारे में बताता हूँ आपको। भैया बारिश आनी शुरू हो गई है लग रहा है, कोई दिक्कत नहीं, मैं पन्नी लेके आता हूँ। स्पीकर्स की गाइस बड़ी नहीं, मैं कड़ी नहीं कहूँगा, पर ये जो चीज़ें हैं ये लिमिटेड है, विंटेज है। विंटेज चीज़ें आप मांगते हो तो ये सारी चीज़ें विंटेज हैं, जो आपको नेवर सीन बिफोर चीज़ें हैं। ये मैं आज आपके लाया हूँ फॉर सेल, कुछ रीजंस की वजह से हमें ये चीज़ें बेचनी पड़ रही है, वरना कौन ऐसी चीज़ें बेचना चाहेगा। एक बार चलते हैं थोड़ा चीज़ों के पास, आपको दिखाते हैं चीज़ें। तो गाइस ये वाला सबसे पहले स्पीकर से शुरू करते हैं, ये जो यहाँ पर है, भाई को मैं बोलूँगा थोड़ा पास से दिखाए स्पीकर को। गाइस ये स्पीकर देखो, यहाँ पे ब्रांडिंग हो रखी है, ये डायना ऑडियो का स्पीकर है। तो गाइस जो पीछे से आपको एरोप्लेन की आवाज़ आ रही होगी, वो थोड़ा मी एयरपोर्ट के नज़दीक इसलिए आ रही होगी, तो इग्नोर दैट। ये डायना ऑडियो का स्पीकर है, ये आता है ओरिजिनल अभी मार्केट में, इसकी प्राइस वैल्यू चल रही है 2 लाख के करीब। गाइस आप एक बार चेक ज़रूर करना, 2 लाख के करीब। तो गाइस देख सकते हो यहाँ पे डायना ऑडियो की ब्रांडिंग है। तो गाइस जो एक स्पीकर लवर होगा ना, जैसे मेरे पास भी काफ़ी सारे स्पीकर हैं पर मैंने कभी दिखाए नहीं, जो बेसिकली स्पीकर लवर होगा उसको पता होगा कि डायना ऑडियो के स्पीकर कितने महंगे आते हैं। 2 लाख रुपीज़ की इसकी मार्केट वैल्यू चल रही है, आपको सिर्फ मिलेगा 27,000 के अंदर। थोड़ा सा यूज्ड है, सेकेंड हैंड मत बोलो यार, थोड़ा सा यूज्ड है, स्क्रैचलेस कंडीशन में है। एक हिसाब से 27,000 रुपये में आपको एक ऐसी चीज़ मिल रही है जो आपको कहीं पर भी नहीं मिलने वाली है। तो गाइस इन डील्स को मिस ना करें, कमेंट बॉक्स में मेरे को बता दे अगर आपको कोई भी चीज़ पूछनी है, इंस्टाग्राम पे मेरे से पूछ सकते हैं, नीचे डिस्क्रिप्शन के अंदर पेज का हर चीज़ का लिंक है यार, आप कहीं पे भी जाके हमसे पूछ सकते हैं, हम आपको इंस्टेंट रिप्लाई देंगे। ये चीज़ें मैं आपको ऐसी ऐसी दिखाने वाला हूँ ना आगे वीडियोज़ में कि आप मतलब सोचोगे यार ये क्या ही ले आए भाई आप। तो अब आते हैं थोड़ा और आगे। तो गाइस यहाँ पे आप ये दो स्पीकर देख रहे होगे। सो गाइस ये वाले आप स्पीकर देख रहे हो हरमन गार्डन के, गाइस ये मेड इन USA स्पीकर हैं, आप देख सकते हो यार ये पूरे कांच के बने हुए हैं, गोल्ड प्लेटेड वायर्स, यहाँ पे आपकी सारी गोल्ड प्लेटेड वायर्स लगेगी हनुमान गार्डन के। और गैस यहाँ पे एक और है इसका सेट, ये भी आप देख सकते हो। गैस ये दोनों स्पीकर का पेयर आपको मिलेगा 14,000 रुपीज़ का, आपको 14,000, और इसका मार्केट वैल्यू आप चेक कर सकते हो एक बार गूगल पे जाके। अब बात करते हैं इसके बारे में। तो गैस यहाँ पे आप एक और स्पीकर देख रहे हो, ये मैंने थोड़ा नीचे रखा हुआ था, आपको नीचे दिखाता हूँ। ये पैराडिगम का स्पीकर है, मॉनिटर सीरीज है इसके, जो ये बूफर देख रहे हो इसके अंदर, आप देखो ये सारे ट्रांसपेरेंट है, इसके अंदर से आपको कॉइल्स दिखेगी, आपको अभी इसके अंदर नहीं दिख रहा होगा पर मेरे को अभी अपनी आईज से इसके अंदर की कॉइल सारी दिख रही है। ये भी चीज़ें प्राइस फॉर सेल है सारी, अभी मैं आपको सब चीज़ों के बारे में बताता हूँ, एंड में मैं आपको सबकी प्राइसिंग बताऊँगा। तो पीछे आते हैं गाइज, ये देखो ये एक विंटेज स्पीकर है, मैं भाई को बोलूँगा थोड़ा पास से दिखाए। सो गाइज ये जो स्पीकर है ये आपका विंटेज स्पीकर है गाइज, ये जो आपको कहीं पर भी नहीं मिलेगी चीज़ें, ये विंटेज स्पीकर है। और गाइज यहाँ पर आप ये स्पीकर देखो, एक मिनट मैं उस साइड आता हूँ आपको दिखाता हूँ। गाइज ये जो स्पीकर का वेट है ना गाइस, ये मतलब एक अकेला बंदा सही में उठा नहीं पाएगा। ये मत सोचना कि यार मैं पतला हूँ मैं नहीं उठा पा रहा, बट ये लिटरली बहुत भारी स्पीकर है गाइस, ये और आराम से 20 से 25 किलो का स्पीकर होगा ये, आराम से पूरा वुडन में बना हुआ है। आप इसकी क्वालिटी देखो, भाई को बोलूँगा थोड़ा पास से दिखाएं। गाइस आप इसकी क्वालिटी देखो, ये देखो कितनी फाइनली इसको बनाया गया है, हल्का सा एकदम लिटिल बिट यूज्ड है यार, ये सारी चीज़ें शौक के लिए रखी गई थी, कोई इसका पर्पस नहीं था कि उनको अपने बेसिक यूज़ के लिए चाहिए, काम था रखी गई थी, तो ये सारी चीज़ें हैं। ऐसी कंडीशन में अगर आपको मार्केट में कहीं और मिल जाए, वैसे तो कंडीशन तो बात ही छोड़ो, ये चीज़ें आपको मार्केट में ही मिल जाए, उसी की बात अभी हम ले लेते हैं, आपको मार्केट में ही नहीं मिलने वाली। तो अगर आप एक स्पीकर लवर हैं तो इन चीज़ों को मत छोड़ें, इन चीज़ों को आए ले जाएं।
सो गाइस अब आते हैं इन दो एक्टिव सब बूपर्स की तरफ। तो गाइस ये देखो आप, ये पहले नीचे वाले के बारे में बात करते हैं। आप ब्रांडिंग देख के समझ ही गए होंगे ऊपर क्या चीज पड़ी है, क्या डिफरेंट एकदम यूनिक चीज पड़ी है। पर नीचे हमारे पास पड़ा है बोस का एक्टिव सब बूपर। गाइस इसकी आप कंडीशन देखो, मैं साइड से भाई को बोलूंगा दिखाए, कंडीशन चेक करो गाइस यार, एक स्क्रैच नहीं है इसके ऊपर, एक स्क्रैच जिसे कहते हैं। और ये चीजें ऐसी हैं जो काफी टाइम पहले आती थी, पर अभी भी इनकी जो मार्केट वैल्यू है वो बहुत ज्यादा है। मतलब करीबन करीब इसकी जो मार्केट वैल्यू है वो अराउंड चल रही है 40,000 to 45,000 के करीब। गाइस डोंट कोट मी ऑन दैट, मेरे को भी पूरा नहीं पता है क्या मार्केट प्राइस चल रही है इनकी। फिर भी आप गूगल पर चेक करोगे तो यार 40,000 से नीचे तो है ही नहीं। बॉस का एक्टिव सब बूफर है, इसके अंदर जो चीजें हैं सारी बिल्ड इन है। गाइस इसकी टोटली वायर्स है वो पूरी गोल्ड प्लेटेड है, सारी आपको इसके साथ मिलेगी। जो इसका प्राइस हम दे रहे हैं वो दे रहे हैं ओनली 9,000 rupees आपके लिए, सिर्फ और सिर्फ मेरे व्यूअर्स के लिए 9,000 rupees। अब गाइस बात आती है इसकी, ये जो ऊपर पड़ा है, पहले आप मैं इसको लोगो दिखाऊंगा आपको, जो स्पीकर लवर है वो इस लोगो को पहचान जाएंगे, BMW, और जो यहाँ पे लिखा हुआ है बॉर एंड विल्सन्स का। गाइस ये जो BMW का एक्टिव सब ऊपर है, इसके इसका जो गाइस जो इसका वेट बताऊंगा ना मैं आपको, अभी मैं आपको पीछे से चेक कराता हूँ। गाइस आप एक बार इसके पीछे आओ, ये जो चीजें देख रहे हो ना, ये जैसे हम ऐसे चाबियां डाल के हमें ये चीजें घुमानी पड़ती हैं, ये जितनी भी सारी सॉकेट्स हो गई, ये पूरा का पूरा भी नया। और ये अकेले का ये जो एक्टिव सब बूफर है, इसका जो वेट होगा वो अराउंड 40 kgs के करीब है। और इसका अभी भी मार्केट वैल्यू जो चल रहा है 1,98,000 या 1,90,000 के करीब चल रहा है, इतना कुछ चल रहा है। पर हम जो इसका प्राइस दे रहे हैं बेसिकली गाइस, जैसे होता ना कि अगर हम कार लेते तो उसके अंदर हमारी रोल्स रॉयल हो गई, बुकाटी हो गई, ये सब एकदम टॉप नॉच में आ जाती हैं। तो गाइस यही स्पीकर की मार्केट के अंदर BMW बोर एंड विल्सन्स एकदम टॉप नॉच में आ जाती है, कि ये टॉप नॉच है, इनकी साउंड क्वालिटी कभी खराब होगी नहीं। ये भी जो सब ऊपर है एक्टिव सब ऊपर बहुत कम यूज़ करा गया है, ना के बराबर यूज़ करा गया है। मैं एक बार आपको पास से इसकी कंडीशन दिखाता हूँ। गाइस कुछ भी नहीं है इसके ऊपर, आप गाइस देख सकते हो हल्का सा एक स्क्रैच तक नहीं है इसके ऊपर। तो गाइस इसका जो हम प्राइस आपको दे रहे हैं वो दे रहे हैं 75,000 के करीब, क्योंकि गाइस ये जो चीज़ है ना ये आपको कहीं और नहीं मिलेगी। पहली बात तो मार्केट में मिलेगी नहीं, हम आपको दे रहे हैं। अगर आप एक बेसिकली लवर हो स्पीकर के तो आप ये चीज़ें लोगे तो काफ़ी अच्छा रहेगा आपके लिए। तो गाइस ये जैसा ये वाला स्पीकर था आपका स्टैंड वाला, 2 lakhs का है नया, ये आपको मिल रहा 27,000 का। सो गाइस ये जो अमेरिका अमेरिका मेड इन USA है ये सारे स्पीकर, ये आपको 14,000 के मिल रहे हैं। गाइस ये वाला आपको 20,000 का मिल रहा है, ये वाला जो है आपका 75,000 का मिल रहा है। ये आपका बोस का एक्टिव सब ऊपर, ये दोनों एक्टिव सब ऊपर है। ये वाला आपको मिल रहा है अराउंड 9,000 के करीब, 40,000 का नया है। ये 2 lakhs का नया है, ये आपको मिल रहा है 75,000 का। बाकी अगर इनमें से और किसी की प्राइस जानने तो डिस्क्रिप्शन के अंदर एक लिंक है, उस पर कॉन्टैक्ट करें। सो गाइस कमेंट बॉक्स में जरूर बताना कि यार आपको ये वीडियो कैसा लगा, ऐसे स्पीकर आपने पहले किसी और वीडियो में देखे थे या नहीं देखे थे, ये भी जरूर बताना। हमारे मार्केट में JBL हो गया, बोट्स हो गया, यही सब चलते रहते हैं, पर यार ये कुछ ऐसी विंटेज कंपनीज है ना जो आपको गिने चुने लोगों के पास देखने को मिलेगी। हर कोई इनको नहीं लेता है क्योंकि काफ़ी ज़्यादा कॉस्टली होते हैं। जो मतलब साउंड का दीवाना है ना, इसमें से एक दो अभी मैं भी ले जाऊँगा यार, मेरी फुल बातचीत होगी, कोई सा मैं उठा के ले जाऊँगा प्राइस के ऊपर ना, फ्री में नहीं। तो गाइस इसके अंदर से कोई सा भी आपको चाहिए, डिस्क्रिप्शन के अंदर मैंने नंबर दिया है, उस पर आप व्हाट्सअप करो, कॉल भी कर सकते हो आप। अगर आपको सही में लिटरली कुछ चाहिए व्हाट्सअप करो, कॉल करो, इंस्टाग्राम पे हमें फॉलो करो, फेसबुक पे भी हमें फॉलो कर दो, ऐसी ऐसी नई नई चीज़ें आ सकती हैं। अब ये तो सिर्फ था ट्रेलर, जो बड़े बड़े बिग डैडी इतने बड़े बड़े स्पीकर हैं ना बेसिकली DJing के लिए, वो अभी अंदर ही पड़े हैं। वो किसी दिन आऊँगा, जिस दिन मैं सारे बाहर निकलूँगा तब हम वीडियो बनाएंगे। तो गाइस कमेंट बॉक्स में जरूर बताना आपको वीडियो कैसा लगा, वीडियो को लाइक जरूर कर दें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें, क्योंकि ऐसे ऐसे कंटेंट अब जल्दी जल्दी आते रहेंगे। तब तक के लिए जल्दी मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन स्टे ट्यून्ड, दिस इज मिस्टर वॉग्स विद ऑल दीज लवली स्पीकर, वी आर साइनिंग ऑफ फॉर टुडे, टिल देन।